अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अजवाज किचन। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी आलू वाली सेवैयाँ। अगर अचानक से भूख लग जाए तो झटपट से ये मज़ेदार सी सेवैयाँ बनाएं और नूडल्स को भूल जाएं, ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आइए तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के गर्म कर लेंगे। दो बड़े साइज़ के आलू लेके उन्हें बारीक काट के डालेंगे। आलू डालने के एक दो मिनट बाद एक चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब एक से दो मिनट भून लेंगे। मैंने तकरीबन 150 ग्राम मोटी सेवैयाँ ली हैं और इन्हें छोटा छोटा तोड़ के शामिल किया। अब अच्छी तरह भून लेंगे। ये बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरी मटन कढ़ाई की रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, जाकर देखें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चार से पाँच मिनट भूनने के बाद तकरीबन डेढ़ गिलास पानी शामिल करेंगे और फिर एक दो बार चम्मच चलाने के बाद ऊपर से ढककर पकाएंगे। सिर्फ एक दो मिनट में ही पानी में उबाल आ गया। अब जैसे चावलों में नमक चेक करते हैं, इसी तरह हम नमक चेक कर लेंगे। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा है, इसलिए थोड़ा सा नमक शामिल कर लेंगे। पांच मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। पाँच मिनट में पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब चूल्हा बंद करके तीन मिनट के लिए दम लगा देंगे। दम लगाने से सेवैयाँ आपस में जुड़ेंगी नहीं और अलग अलग नजर आएंगी, मतलब प्यारी लगेंगी। दम आ गया है, अब हम डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से आलू वाली सेवैयाँ तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।